Hello students, I hope you have seen my last video which are on the topic of some numericals which is usually asked in class 12th board. Okay, so here again I am back with one more video giving you some more basic ideas about the numerical. So see here, now the one of my question says that two point charges are there. One point charge is of Q and another point charge is of small q. Okay, there are two point charges which are placed at the distance of, अब ये जो आपका capital Q है और जो small q है उसमें capital Q x दूरी पर रखा हुआ है और small q x by 2 पर रखा गया है. Okay, so it is said in the question कि two point charges Q and small q are placed at the distance x and x by 2 from a third charge. एक और तीसरा चार्ज है 4q, उससे कैपिटल Q की दूरी कितनी है x है और स्मॉल Q की दूरी कितनी है x by 2 है. ओके, एंड दे ऑल आर इन द स्ट्रेट लाइन. दैट मींस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि अगर मेरा 4q यहाँ है, ओके, सेंटर में होना चाहिए या कहीं पे भी हम रखते हैं, देन 4q से अगर मैं कहूँ कि स्मॉल Q की दूरी कितनी है, तो मान लीजिए ये मेरा स्मॉल q है जिसको मैं x बाय 2 रख रही हूँ और अब मुझे ये कॉर्नर में रखना पड़ेगा 4q, है ना. तो उसकी दूरी जो दूसरा चार्ज है कैपिटल q, उससे मेरी डिस्टेंस जो है वो x है. कुछ इस तरीके के हमारे क्वेश्चन ने बात कही, है ना, कि स्मॉल q जो है वो x बाय 2 पर है और कैपिटल q जो है वो x दूरी पर रखा हुआ है इन अ स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज q. इस कैपिटल q के मैग्नीट्यूड को निकालना है हमको एंड नेचर को निकालना है, सो दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q इज जीरो. अब ये एक कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो नेट फोर्स हमारा q ये जो फील करेगा, इट शुड बी जीरो. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में जो गिवन है, सिर्फ मैंने उसको डायग्रामेटिकली बनाया है. इसको मैं फिर एक बार रीड कर रही हूँ कि टू पॉइंट चार्जेस, वन इज ऑफ क्यू अनदर स्मॉल क्यू, आर एट अ डिस्टेंस एक्स एंड एक्स बाय टू फ्रॉम द थर्ड चार्ज फोर क्यू. ऑल द चार्जेस आर इन द स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ कैपिटल क्यू सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज जीरो. दिस इज माई क्वेश्चन विच आई हैव टू सॉल्व. ओके, सो अगेन द थिंग इज आई एम नोइंग ओनली विच फॉर्मूला, गॉस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स. सो लेट अस नेम एज दिस पॉइंट 4q एज कैपिटल ए, दिस पॉइंट कैपिटल बी. ओके, तो वी कैन सी दिस इज ऑल्सो 4q पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो q, दिस कैपिटल q एंड दिस स्मॉल q. वेन एवर दे विल एक्सर्ट द फोर्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि फोर्स डायरेक्शन विल बी रिपल्सिव. यानी अगर q कोई फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, अपोजिट होगा, और अगर a कोई फोर्स लगाएगा इस पर तो उसका भी डायरेक्शन अपोजिट टू a होगा, करेक्ट. तो चलिए सबसे पहले मैं फोर्स निकालती हूँ FA. FA जो मेरी फोर्स है वो किस किस के बीच में है, पहले तो हमें वो ध्यान रखना है. तो k हमारा 1/4πε0 है, 1/4πε0. पहला चार्ज मेरा 4q है, दूसरा चार्ज मेरा q है और दोनों के बीच की दूरी मुझे दी हुई है, दैट इज x बाय 2 द होल स्क्वायर. आई होप ये क्लियर हुआ. ये a और q के बीच में है, मतलब 4q और q के बीच में मेरी फोर्स है और जैसे मैंने कहा वो रिपल्सिव होगी क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अपोजिट डायरेक्शन, बाहर के तरफ लग रही है, आउटवर्ड लग रही है, करेक्ट. नाउ द चार्ज q एंड कैपिटल q की हम बात करें तो हम उसमें एफ बी कहेंगे, उसमें भी k होगा हमारा और कैपिटल Q होगा, हाँ कैपिटल Q होगा, स्मॉल Q होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, मैं इस स्मॉल Q की पोजीशन को C कह देती हूँ तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो लेट इट बी बी सी स्क्वेयर, है ना. पता है कि हमें स्मॉल Q और कैपिटल Q का डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन इतना क्लियर हो रहा है कि टोटल X है, यहाँ का X बाय 2 है, तो रिमेनिंग X माइनस X बाय 2 होगा, यानी बी सी कितना होगा, X बाय 2. So I will get, I think, the same formula, capital Q small q by x by 2 the whole square, क्योंकि हमारी BC की value क्या है, x by 2 ही है,
है ना। तो आप देख सकते हैं कि एफ ए की जो फोर्स है वो एफ बी के बराबर है। तो अगर नेट फोर्स जो स्मॉल क्यू फील कर रहा है वो जीरो होगी, तो अगर वो जीरो होगी, वो अगर आपको इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि क्यू इज एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स। यानी अगर एफ ए इस तरफ है तो डेफिनेटली एफ बी इस तरफ होगा, है ना, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी। और हमने ये भी देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तभी वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि क्यू इज नॉट फीलिंग एनी फोर्स। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कैपिटल क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि कैपिटल क्यू का चार्ज क्या होगा, तो कैपिटल क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिपल्सिव फोर्स ही वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि स्मॉल क्यू शुड फील जीरो फोर्स, है ना। दूसरे हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों का फॉर्मूला वैल्यू निकाल चुके हैं, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, के 4q into q by x by 2 the whole square, और यहाँ होगा k capital q small q x by 2 the whole square, x by 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, small q कैंसिल हो जाएगा, k और k कट जाएगा, तो वेरी सिंपल कैपिटल q की वैल्यू कितनी आई 4q। यानी इस कंडीशन पर कि कैपिटल q 4q हो और पॉजिटिव हो, तो ही हम ये कह सकेंगे कि स्मॉल q इज एक्सपीरियंसिंग द नेट फोर्स जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी इसी तरीके के फॉर्मूले पर बेस्ड है कि चार्ज अगर आपके इक्विलिब्रियम में हो तब उस पर जो नेट फोर्स होती है वो जीरो फील होती है, बट ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने एक दूसरा पैटर्न आएगा जिसमें आपको थर्ड चार्ज प्लेस करना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ, टू पॉइंट चार्जेस, अब दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से। पहला पॉइंट चार्ज है 5 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज है Q2 दैट इज 20 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये दोनों मेरे पास पॉइंट चार्ज क्वेश्चन में दिए हैं। सो टू पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड 20 × 10⁻¹⁹ कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा पॉइंट उन दोनों के ज्वाइनिंग में निकालना है, यानी अगर मेरा ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों के बीच की दूरी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से R है, तो मुझे थर्ड चार्ज ऐसी जगह पर रखना है जहां पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, अगर चार्ज जीरो फील एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि उसमें कोई फोर्स नहीं है, तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का जब डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तभी रिजल्टेंट जीरो आता है। अभी वो कह रहा है कि हमको थर्ड चार्ज रखना है कहीं पे भी जहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक ऐसा डिस्टेंस निकालना है जहां आपकी फील्ड की वैल्यू जीरो आ जाए। करेक्ट, तो चलिए अब मैंने एक कोई भी पॉइंट बीच में ले लिया, लेट इट बी ओ, और मैं पहला चार्ज कह दे रही हूँ ए, दूसरा चार्ज कह दे रही हूँ बी, और जो मैंने ओ लिया है उसकी दूरी में मेंशन कर सकती हूँ, लेट इट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज Q1 इज एक्स एंड फ्रॉम दिस साइड Q2, क्योंकि टोटल तो हमको आर पता है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। आई होप क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। Q1 Q2 की दूरी R है, मतलब 2 मीटर मुझे पता है, X मैंने अज्यूम कर लिया है, तो बचा हुआ क्या होगा, R माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स होगा। अब सबसे पहले तो फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है, वो इसी क्वेश्चन में फोर्स भी कह सकता था, वो इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल भी कह सकता था, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि फील्ड है, तो फील्ड की सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फील्ड इंटेंसिटी के इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस फॉर्मूला, है ना। तो अगर मैं कहूं कि Q1 पर जो फील्ड होगी
बिकॉज ऑफ Q1 जो फील्ड इंटेंसिटी होगी E, उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, K Q1 की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस और इसके बीच का, है ना। तो वो डिस्टेंस कितना है, AO है, और उसका स्क्वायर यानी K Q1 बाय X स्क्वायर। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 के कारण क्या है, तो इट इज के Q2 बाय OB स्क्वायर, इजंट इट। OB का मतलब होगा के Q2 बाय R माइनस X द होल स्क्वायर। अब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा बताना पड़ेगा, अपोजिट, तभी तो वो सेम होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो आप कंडीशन याद रखेंगे, E1 एंड E2 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी उस पॉइंट पर आपको कंडीशन ऐसी मिलेगी कि आपका जो पॉइंट है वो नेट फील्ड जीरो एक्सपीरियंस करे, है ना। तो अब आप हम मैग्नीट्यूड सेम कर देते हैं, यानी के Q1 एक्स स्क्वायर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो के Q2 R माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो वो तरफ हम K को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो इट इज 5 × 10⁻¹⁹ होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 × 10⁻¹⁹ बाय 2 − x द होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमारे पास 10⁻¹⁹ कैंसिल हो सकता है, करेक्ट। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज नथिंग बट 2 − x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना। अब हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। स्क्वायरिंग जब आप करते हैं तो 2 − x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4x, इट इज 2x, करेक्ट। क्योंकि आपका 4x स्क्वायर था तो वो 2x हो जाएगा। तो मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी जब आप स्क्वायरिंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए प्लस और माइनस के फॉर्म में आता है, है ना। तो एक वैल्यू मिलेगी मुझे x की, जो वैल्यू मिलेगी वो होगी x की जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम इस तरीके से निकालेंगे कि 2 इज इक्वल टू 2x माइनस विल बिकम प्लस x, यानी यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 बाय 3 मीटर, करेक्ट। 2x इज 3x और यहां 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 बाय 3 मीटर। एंड सेकेंड जो डिस्टेंस होगा उसमें अगर मैं माइनस साइन कंसिडर करती हूँ तो मुझे आंसर नेगेटिव में मिलेगा, सो दैट इज नॉट वैलिड। तो ये प्लस और माइनस स्क्वायरिंग के बाद जो दो वैल्यू आती है उसमें एक आपकी वैलिड है 2 बाय 3 और दूसरी नेगेटिव साइन वाली वैलिड नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज एक्स, 2 बाय 3, और दूसरा आपको अगर डिस्टेंस पॉइंट बी से निकालना था तो दैट विल बी आर माइनस एक्स, यानी 2 − 2/3। सो दिस वॉज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विच यूज टू कम योर एग्जाम। सी स्टूडेंट्स, दिस इज माई थर्ड पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू कैन सी योर NCERT बुक और इन वेरियस रिफ्रेशर्स मेनी सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। हियर द क्वेश्चन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज अल्फा एक्स। ओके, द एक्स एक्सिस, ओवर द एक्स एक्सिस द फील्ड इज एक्टिंग, दैट इज अल्फा एक्स। द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ एक्स कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे जो साइड ऑफ क्यूब है वो 0.1 मीटर है, दैट कैन ऑल्सो वैरी। ओके, सो क्वेश्चन सेज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब, एक चार्ज इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्ज क्यूब विच इज इनसाइड द क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, वो Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स है। दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वैल्यू दी हुई है कि अल्फा इज नथिंग बट 500 न्यूटन पर कूलम, ओके, पर कूलम इंटू मीटर, एंड अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस यानी Ey और Ez पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। कैलकुलेट द फ्लक्स एंड द चार्ज। निकालना क्या क्या है हमें, हमें फाई निकालना है कि वो हाउ मच इज अ फ्लक्स, और हमें वैल्यू ऑफ चार्ज निकालनी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जीरो है। अब देखिएगा ओरिजिन से जो क्यूब रखा हुआ है उसकी दूरी 0.1 है,
है ना, और जो क्यूब का साइड है उसकी भी दूरी 0.1 है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अल्फा एक्स है। अल्फा एक्स में अल्फा हमें पता है 500 न्यूटन पर कूलम मीटर है, और हमें ये निकालना है कि फ्लक्स और चार्ज क्या होगा। ओके, तो थोड़ी देर के लिए आप एक तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला हमें किस किस का यूज करना है, क्योंकि जब हमें चार्ज निकालना है और हमें फ्लक्स पता है तो ऑलवेज यू ट्राई टू रिमेम्बर कि जो आपके पास गिवन थिंग है या जो टॉपिक आप जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपने रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो आई होप कि लाइन्स ऑफ फोर्स, फ्लक्स और चार्ज, इसके बारे में हमें सिर्फ गॉस ने बताया है, और गॉस का एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे ज़्यादा गॉस ने हमें कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ से चार्ज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, व्हाट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10 to the power -12। इस वैल्यू की तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, 8.85 इंटू 10 to the power -12, ये तो आपको याद रखना है। यानी अगर मुझे फाई मिल जाए तो आई कैन कैलकुलेट द चार्ज। अब फाई निकालने के लिए व्हाट इज एक्चुअली फाई, फ्लक्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। तो अगर चार्ज यहाँ रखा है तो हमको समझ में आ रहा है कि चार्ज या तो ये वाले साइड से जाएगा या फिर ये वाले साइड से बाहर आएगा, करेक्ट। यही दो साइड्स हैं, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हैं, वाई और जेड से लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं पास हो पाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको बोलती हूँ लेफ्ट, ये हमारी अगर लेफ्ट साइड है क्यूब की और ये अगर हमारी राइट साइड है, तो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में जो लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगी उसका डायरेक्शन और हमारे एक्स एक्सिस में जाने वाले का डायरेक्शन 180 डिग्री है, अपोजिट है ना। तो लेफ्ट साइड से जो लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी या जो राइट साइड में क्वेश्चन में गिवन है उसने स्ट्रेट लाइन बनाना है अपोजिट डायरेक्शन का, यानी इस केस में हमारे पास थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एक बात। दूसरी बात, जो डिस्टेंस है हमारा, यानी जो ये एक्स एक्सिस की दूरी है, वो इस फेस के लिए हमारे पास 0.1 है और इस फेस के लिए 0.1 प्लस 0.1 है, एग्रीड। ये दोनों जो है आपका वो डबल हो जा रहा है। और जब हम राइट वाले फेस की बात करते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स और गिवन फील्ड का सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा इज जीरो बिकॉज दे आर पैरेलल। तो जब मैं थीटा की बात कर रही हूँ, लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर रही हूँ, तो आई होप तुमको ये याद होगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा, है ना। ई इज द फील्ड, डी एस या एस आप जो भी लेते हैं, सरफेस इज योर एरिया, सरफेस एरिया, एंड कॉस थीटा इज वेयर, थीटा इज एंगल बिटवीन एलिमेंट्री सरफेस एंड फील्ड। याद है ये फॉर्मूला, ये गॉस थ्योरम में भी हम कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। यानी ई फील्ड है, आपको ये ध्यान रखना है, ई इज योर फील्ड, देन योर एरिया, लेफ्ट एंड राइट एरिया, ओके, एंड योर थीटा इज एंगल। तो चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज अवर फाई लेफ्ट। फाई लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या होगा, वेक्टर साइन ई लेफ्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इनटू योर डेल एस लेफ्ट यानी आपका जो भी वहां एरिया है, इनटू कॉस 180 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा 180 डिग्री क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स अपोजिट है, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो हमें क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ था 500 न्यूटन, आपको याद होगा। तो अगर हमारा एक्स, हमारी फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अल्फा एक्स है, याद रहे अल्फा मतलब 500 और एक्स मतलब जो हमारी दूरी है ना, उसे कहते हैं हम। तो अगर हम इस चीज को देखें तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, अल्फा यानी 500 और एक्स जो हमारा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेट इट बी ए, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, लेट इट बी ए, यानी ए की वैल्यू वही है हमारी, दैट इज 0.1 मीटर, करेक्ट। तो ये हो गया 500 ए इनटू आपका जो एरिया होगा दैट विल बी ए स्क्वायर, क्योंकि साइड है, सबकी साइड ए ए दी हुई है तो मैंने उसको ए स्क्वायर एरिया कह लिया, और कॉस 180 डिग्री का मतलब हुआ -1। तो आपके पास वैल्यू आ रही है -500 ए क्यूब, दिस इज माय फाई लेफ्ट,
आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम राइट फेस की बात करें तो देखिए राइट फेस में अब आपको मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया, क्या बताया कि राइट फेस की ये जो दूरी है वो ए प्लस ए है, जिसको मैंने ए कंसिडर किया ना, आप पॉइंट वन भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्स है वो ए प्लस ए हो गया, यानी जो ये अल्फा एक्स है ये 500 इंटू पॉइंट वन इंटू पॉइंट वन, या आप कह सकते हैं 500 इंटू टू ए, डबल हो गया ना, करेक्ट। और ये जो एरिया है इसका, जो साइड का एरिया हम फेस का निकालते हैं एलिमेंट, वो हमारा ए स्क्वायर ही रहेगा। ओके, तो अब अगर मैं फाई राइट की बात आपसे करूं, फाई राइट, तो फाई राइट क्या होगा, ई राइट, ओके, देन डेल एस राइट, राइट साइड की बात हो रही है, और एंगल जो है वो जीरो डिग्री है, क्योंकि वो उस तरफ लाइन्स ऑफ फोर्स उसी तरफ पास हो रही है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो रही है, करेक्ट। तो अब आपका ई राइट जो है उसे मुझे अल्फा एक्स लेना है, तो अल्फा मेरा 500 है, एक्स की जगह मैं 2a लिख सकती हूं क्योंकि a को मैंने 0.1 कंसिडर किया है, ये मेरा a स्क्वायर होगा और cos 0 1 होता है, यानी हमारा हो गया ये 1000 a क्यूब। सो आई गॉट इन फर्स्ट इक्वेशन phi लेफ्ट इज माइनस 5000 a क्यूब, एंड इन सेकेंड इक्वेशन आई गॉट राइट इज 1000 a क्यूब, करेक्ट। अब आपको जो टोटल फ्लक्स निकालना है, द टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू phi लेफ्ट प्लस phi राइट, आपको दोनों ऐड करना पड़ेंगे, यानी आपके पास था माइनस 500 a क्यूब प्लस 1000 a क्यूब। याद रहे बार बार a की वैल्यू वही है हमारी 0.1 मीटर x एक्सिस से दूरी, तो ये आपके आया 500 a क्यूब इज योर phi। अब अगर 0.1 आप वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो आपको जो phi की वैल्यू मिलेगी, जब आप वैल्यू a क्यूब की क्या पुट अप करेंगे 0.1 क्यूब, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला 0.5, एंड फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वन टाइम यू हैव टू राइट द यूनिट। तो 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का आपको phi मिल गया, और हम जानते थे क्यू निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज 0.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो आपका आंसर जो है सॉल्व करने के बाद आएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, द यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप अपने बुक को देखिए, थोड़ा रिवाइज करिए, और इस पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ यू आर हैविंग एनी डाउट।